नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज भाई हमारे साथ खड़ा है टाटा सफारी का बेस वेरिएंट। भाई जब से सफारी और हैरियर का फेसलिफ्ट आया ना, इन गाड़ियों ने जो है भाई भोकाल मचाया हुआ है। रोड पर जेंट्स गाड़ियों की काफी कमाल लगती है, और गाड़ी की जो एलईडी डीआरएल है, एलईडी टेल लैंप है, उनकी जो रोड प्रेजेंस है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और इम्प्रूव हो गई है। आज हमारे साथ खड़ा है स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट। इस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स जो है मिल जाते हैं और क्या कमी जो है वो रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की। 16,19,000 रुपये गाड़ी के बेस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है, और ये सेकंड बेस है स्मार्ट ऑप्शनल, इसका प्राइस है 16,69,000 रुपये। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो 50,000 रुपये जो है एक्स शोरूम में डिफरेंस है। इस वाले वेरिएंट में आपको क्या फीचर मिल जाएंगे, आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा अपना बजट एक्सटेंड करके इसके ऊपर वाला वेरिएंट लेना चाहिए, चलिए शुरू करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट से। भाई स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट है तो इसमें आपको कनेक्टेड डीआरएल जो है वो फीचर मिल जाता है। ये जो डीआरएल है ये देखिए ग्लो करने के बाद काफी सुंदर जो है ना वो लग रहा है। अब बात करते हैं बाइक कलर की। हमने नेक्सोन की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये जो ग्रे कलर है इसके ऊपर बताया था कि सबसे बेस्ट कलर अगर कोई लग रहा है तो वो ये वाला कलर था। ये आपको सफारी के सिर्फ स्मार्ट और प्योर वेरिएंट में जो है मिलता है। इस कलर का नाम है भाई लूनर स्लेट। इसमें आपको एक व्हाइट कलर का ऑप्शन और मिलता है, तो ये कलर जो है मुझे बेस वेरिएंट के हिसाब से काफी बढ़िया लग रहा है, और गाड़ी देखने में बेस वेरिएंट भाई कहीं से नहीं लगती क्योंकि हर जगह ग्लोसी ब्लैक कलर का जो है ना यूज किया गया है, और काफी हाई क्वालिटी का जो मटेरियल है वो यूज किया है। हेडलाइट में आपको बाई फंक्शनल जो है प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलाइट मिल जाती है, जिनका थ्रो काफी बढ़िया है, गाड़ी सुंदर जो है इनकी वजह से लगती है। यहाँ पर भी आप देखिए अटेंशन टू डिटेल, इधर सफारी की ब्रांडिंग जो है ना वो इधर की गई है, यहाँ पर काफी सुंदर जो है ये चीज नजर आती है। कोई भी 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर आपको बेस वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये छोटी सी कमी जो है कहीं ना कहीं रखते हैं ताकि आप जो है इसके अपर वेरिएंट्स तक जो है शिफ्ट हो सको। अभी बात करते हैं भाई गाड़ी के साइड के प्रोफाइल की। देखिए ध्यान रखना ये गाड़ी का बेस वेरिएंट ही है, इसमें भी आपको सारे फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। इधर आप देखिए यहाँ पर आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि गाड़ी के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। भाई बेस वेरिएंट इसका अगर आप स्मार्ट वेरिएंट लेते हो, ऑप्शनल मैंने आपको बताया, ऑप्शनल ये मान लो एक हल्का सा ट्रिम ऊपर है, ठीक है, बेस वेरिएंट में भी आपको सेम ही एलॉय का डिज़ाइन जो है वो मिलने वाला है। टायर साइज 235/65 R17 का टायर साइज जो है वो इधर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं ORVMs की। आपको ग्लोसी ब्लैक कलर के ORVM मिलते हैं जो कि इस कलर के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। टर्न इंडिकेटर आपको इधर मिलेगा और आप इनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। अगर आप स्मार्ट लोगे तो वहां पर आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सफारी की ब्रांडिंग मिलती है जो सुंदर लगती है हर कलर के साथ ही। अगर आप डार्क एडिशन लेते हो इसका टॉप एंड्स के अंदर, वहां पर ये आपको डार्क क्रोम के अंदर मिलेगा, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर जो है वो मिलता है। सिंगल कलर आपको डोर हैंडल्स जो है वो मिलने वाले हैं। रूफ रेल्स भाई आपको ब्लैक कलर की मिलेगी, इस कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है ये लग रही है। आप एक बार देखिए रूफ में आपको कोई भी सनरूफ का फीचर जो है ना वो इधर नहीं मिलता है बेस ट्रिम्स के अंदर। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आपको टॉप एंड्स के ऊपर जो है जाना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा भाई, गाड़ी में चारों डिस्क का ऑप्शन जो है वो आपको स्टैंडर्ड मिलता है, यानी आप इसका बेस ले लो चाहे इसका टॉप एंड ले लो, आपको चारों डिस्क जो है वो मिलने वाले हैं। अब भाई रियर में जो डिफरेंस मिलता है आपको बेस और इस वाले में, उसकी बात करते हैं। देखिए कनेक्टेड टेल लाइट जिसकी बात हम कर रहे थे ना, ये गाड़ी रात में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है। भाई हमने एक रील अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली हुई, वहाँ पर देखना फॉर्च्यूनर के साइड में खड़ी है सफारी, और वहाँ पर देखना रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है इस लाइट की वजह से। पीछे फीचर्स की बात करें तो ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा, ये जो कि LED है। कोई भी रियर डिफोगर, रियर वाइपर जैसी चीज़ें आपको बेस ट्रिम्स में नहीं मिलती है। नीचे की बात करें तो ये आपको स्पोर्टी बम्पर जो है वो इधर मिल जाता है, सिर्फ दो ही पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं। इधर सफारी जो है थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, फॉन्ट वही यूज किया है जो हमें आगे मिलता है। इलेक्ट्रिक टेलगेट भाई जो है आपको बेस वेरिएंट्स में नहीं मिलता है, टॉप एंड्स में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है वो भी मिल जाता है। थर्ड रो ऊपर करने के बाद कुछ इतना बूट स्पेस बचता है, इसमें आप अपने बैग वगैरह जो है वो ही मुश्किल से रख पाओगे। अगर आपको थर्ड रो फोल्ड करनी हो तो ईजिली जो है आप इनको फोल्ड कर सकते हो। ये आपको लीवर्स जो है वो इधर मिल जाते हैं। एमिनिटीज़ की बात करें तो एक बार ज़रा पास आइए, इधर आपको दो USB पोर्ट मिल जाते हैं जो कि आपका टाइप ए और टाइप सी का पोर्ट है, ये सिर्फ आपको ऑप्शनल में मिलता है। रियर AC वेंट्स आपको इधर मिल जाएंगे, ये भी सिर्फ भाई आपको ऑप्शनल में ही मिलता है। सामने वाली सीट 60-40 के स्प्लिट रेशो में मिल जाती है, और गाड़ी के अंदर जितनी भी सीट बेल्ट है भाई सारी आपको 3-pointer मिलने वाली है। सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट जो है टाटा ने इधर किए हैं, उसकी बात हम आगे चल के जो है करेंगे। भाई देखो इंटीरियर्स की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट होने के बाद भी इन्होंने जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया ना वो काफ़ी सुंदर जो है इधर दिख रहा है। दरवाजों के ऊपर भी ये देखिए
ट्रिपल टोन जो है वो आपको दरवाजे के ऊपर मिल जाती है, ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पर सॉफ्ट टच जो है वो मिलती है, और जो ये फैब्रिक यूज किया है ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। डोर ओपनर्स भी काफ़ी सुंदर दिखने वाले यहाँ पर यूज किए हैं, प्लास्टिक के नहीं है ये, जरूर एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो इनके ऊपर हमें मिल जाती है। चारों पावर विंडोज मिल जाती है, फोन होल्डर, बोतल होल्डर और स्पीकर के लिए स्पेस मिल जाता है। गाड़ी में कोई भी स्पीकर आपको प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलेंगे, आपको म्यूजिक सिस्टम जो है बाद में अपना लगवाना पड़ेगा। सीटों का कलर देखिए भाई, बहुत ही प्यारा जो है ना ये कलर इधर लग रहा है, और इनकी क्वालिटी भी भाई काफ़ी बढ़िया है। रियर सीट पे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच वाले बंदे के लिए कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए थ्री पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर इधर मिल जाती है। ऑप्शनल वेरियंट के अंदर ये चीज़ और आपको मिल जाती है, बोस मोड, जिसको अब ये इसको हम आगे बिल्कुल जो है कर सकते हैं, और बोस जो है वो इधर आराम से पैर फैला के अपने बैठ सकता है। एक और चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है ऑप्शनल वेरिएंट में, नीचे आपको एक टाइप ए का सॉकेट और टाइप सी का सॉकेट जो है फास्ट चार्जर वो इधर भी मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ भी एक टाइप ए का और सी का सॉकेट मिल जाता है, पीछे भी जो आपको फ़ोन चार्जिंग के ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट जो आप ये देख रहे हो ये आपको सिर्फ ऑप्शनल वेरिएंट में मिलता है, अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हो तो आपको ये वाला आर्मरेस्ट जो है वो इधर नहीं मिलता है। तो भाई चलते हैं हम ड्राइवर सीट के ऊपर, वहाँ पर चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ फीचर्स जो है वो भाई आपको इधर मिल जाएंगे और क्या कमियाँ जो है वो यहाँ पर टाटा वालों ने छोड़ दी है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक बार इंटीरियर्स दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो मिसिंग कुछ यहाँ पर लग रहा है ना, तो जो वो है भाई गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम, अभी कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको बेस ट्रिम्स के अंदर नहीं मिलता है। अगर आप इसके ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको म्यूजिक सिस्टम जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखिए भाई मैंने एक SUV तो खरीद ली, लेकिन मान लो अगर मेरी हाइट छोटी है, 5 फीट 5 इंच है 5 फीट 6 इंच मेरी हाइट है, मुझे अपनी गाड़ी में SUV वाली फील कैसे आएगी जब मुझे गाड़ी का बोनट दिखेगा। अभी मैं इस गाड़ी का अगर ऑन रोड प्राइस देखे तो 19,60,000 रुपए के आसपास पड़ती है गाड़ी, लेकिन मुझे फिर भी भाई हाइट एडजस्ट करने का फीचर जो है इस वाले वेरिएंट में भी नहीं मिलता है। अगर मैं इसके ऊपर वाला वेरिएंट लूंगा वहां पर मुझे हाइट एडजस्ट करने का फीचर मिलेगा, तो ये मुझे काफी ज्यादा कमी जो है भाई इस वाली गाड़ी के अंदर लगी है। एक और कमी जो मुझे लगी वो है भाई गाड़ी की चाबी। एक बार देखिए गाड़ी में आपको सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती बाय रिमोट, आपको चाबी से जरूर मिल जाएगी, चाबी से अगर आप अपनी ड्राइवर वाली खिड़की को लॉक करोगे तो सारी खिड़की अपने आप लॉक हो जाती है, लेकिन भाई रिमोट सेंटर लॉकिंग इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर, यार मान लो मैं सफारी लेके जा रहा हूँ कहीं पर, मैं अपनी जेब से चाबी निकाल के और फिर दरवाजे के अंदर लगा के इस गाड़ी को अनलॉक कर रहा हूँ, तो थोड़ा फील जो है ना वो गाड़ी के अंदर भाई नहीं आएगी। तो चलिए और बाकी बातें करते हैं एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के। अब भाई देखो इंटीरियर्स की बात हम कर ही रहे हैं, तो टाटा ने अपना नया जो स्टेयरिंग व्हील है जो इन्होंने सबसे पहले अपनी नेक्सोन के अंदर इंट्रोड्यूस किया था वो इन्होंने यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर रखा है, और बेस ट्रिम्स के अंदर भी इन्होंने अपना सेम ही स्टेयरिंग व्हील रखा है। भाई टाटा का जो लोगो है आप जैसे ही गाड़ी को बंद करोगे उसके साथ ही जो ये लोगो है वो भी गायब हो जाता है, और क्वालिटी वाइज ये काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है ना ये लगता है, फर्स्ट इन द सेगमेंट जो है ये फीचर आपको मिलने वाला है। एक और अच्छी चीज़ क्या कर रखी है इन्होंने, स्टेयरिंग पर ही जो है यहाँ पर कंट्रोल दे दिए अपने, और एयरबैग की बैजिंग आप इधर देख सकते हो, यहाँ पर एयरबैग की बैजिंग मिलती है। अब हॉर्न में एक बार जो है भाई इसका सुनवा देता हूँ आपको, सिंगल टोन में जो है पी का हॉर्न आपको मिलने वाला है। तो कुछ कुछ जगह ना टाटा ने ऐसा थोड़ा सा वो कॉस्ट कटिंग करके रखे, बोले यार मतलब टाटा क्या हर कंपनी चाहती है कि कस्टमर उसके टॉप एंड्स को जो है थोड़ी प्रायोरिटी दे। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको कोई भी रैप वगैरह जो है इधर नहीं मिलता है, लेकिन इधर थोड़ा ग्लोसी सिल्वर कलर का यूज करने की वजह से स्टेयरिंग जो है प्रीमियम हो गया है। अगर स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट में एक बार भाई आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो आप अपने स्टेयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो, साथ के साथ आप अपनी तरफ भी जो है भाई इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो चलो शुक्र है भगवान का टाटा ने यहाँ पर तो कॉस्ट कटिंग जो है वो नहीं की, क्योंकि अगर मान लो किसी की छोटी हाइट है वो अपने स्टेयरिंग को तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सीट की हाइट भी जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। देखिए बेस वेरियंट में भी इन्होंने स्क्रीन जो है वो इधर दे रखी है, ये देखिए इतनी बड़ी आपको LED स्क्रीन मिलने वाली है, साइड में आपका RPM मीटर और इधर की साइड टेम्परेचर और फ्यूल के जो गेज है वो इधर मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है ये बताता है आपको सातों की सातों सीटों पे कोई ये बंदा अगर बैठा है तो किन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, किन्होंने लगाई हुई है। अभी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ सीट के ऊपर रेड है, मतलब मैंने सीट बेल्ट जो है वो इधर नहीं लगा रखी। TPMS आपको भाई इस वाले वेरिएंट में मिल जाता है। जैसे देखिए बूट जो है वो ओपन हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर एनिमेशन आ गया कि भाई गाड़ी का बूट जो है वो खुल गया है। TPMS आपको स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट में ही मिलेगा, इसके बेस वेरिएंट में आपको TPMS जो है उसका फीचर नहीं मिलता है। तो बेस वेरिएंट के हिसाब से फीचर काफ़ी अच्छे से ऐड किए गए हैं। म्यूजिक सिस्टम भाई आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, चाहे आप कंपनी से एज एन एक्सेसरी जो है म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हो, फिर बाहर से कोई बढ़िया सा आपको जो म्यूजिक सिस्टम मिले वो आप इधर लगवा सकते हो। बेस वेरिएंट में ही आपको फुल्ली ऑटोमेटिक
क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। अब इसके अब भाई आप ये बोलोगे कि यहाँ पर स्क्रीन तो है ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कितना टेम्परेचर जो है यहाँ पर सेट हो रहा है। तो टाटा ने भी इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है। जैसे ही देखना एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, टेम्परेचर जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ इधर लिखा रहा है भाई एसी ऑन हो गया है, ठीक है, टेम्परेचर जो है इतना मैं जो सेट करता जा रहा हूँ। तो टाटा ने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है अपने कस्टमर्स का। कस्टमर को जो है भाई कोई भी शिकायत जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ टच बेस्ड आपको बटन मिल जाते हैं, अगर आपको बूट अनलॉक करना हो तो ऐसे बूट अनलॉक हो जाता है, गाड़ी लॉक अनलॉक जो है वो आप अपनी यहाँ से कर सकते हो। बस म्यूजिक सिस्टम की वजह से थोड़ा ऐसा खाली खाली सा डैशबोर्ड लग रहा है, बाकी ओवरऑल फिनिश और क्वालिटी की कहीं पर भी कमी आपको नहीं मिलने वाली है। बेस ट्रिम्स में आपको सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स का ही ऑप्शन है, अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स में जाते हो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन जो है मिल जाता है। नॉर्मल हैंड ब्रेक जो है आपको लीवर खींचने वाला वो हैंड ब्रेक इधर आपको मिलता है। आर्मरेस्ट जो है, ये जो आप आर्मरेस्ट देख रहे हो ना, ये सिर्फ आपको स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट में मिलेगा। देखिए अगर हम इस बॉक्स को खोलते हैं, यहाँ नीचे भी आपको एक टाइप ए का सॉकेट मिल जाता है, टाइप सी का सॉकेट मिल जाता है। भाई चार्जिंग के लिए कोई भी कमी जो है टाटा ने नहीं छोड़ी है, हर जगह आपको सॉकेट ही सॉकेट जो है वो दे रखे हैं। ग्लोव बॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ठीक ठाक के साइज का ग्लोव बॉक्स जो है वो इधर आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई अपनी यहाँ के। एक बार ऊपर दिखा दूं, केबिन लैंप, एलईडी केबिन लैंप मिलने वाले हैं, तीन केबिन लैंप जो है वो आपको मिलते हैं, ये पीछे, ये और ये। और आपको सिर्फ 7 सीटर की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो ही आपको इसमें मिलेगी बेस ट्रिम्स में। अगर आपको कैप्टन सीट चाहिए तो गाड़ी के अपर ट्रिम्स जो है वो आपको लेने पड़ेंगे। IRVM ये देखिए कुछ ऐसा वाला डे एंड नाइट मोड वाला IRVM जो है वो इधर कंपनी ऑफर करती है। अभी जो एयरबैग है पैसेंजर साइड का वो ऑन किया हुआ है, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा भाई इसको जो है ना ऑन रखा करो, क्योंकि कभी आप किसी को बैठा के लेके जाओगे और ये ऑन नहीं रहेगा तो उसके लिए मुसीबत जो है वो हो जाएगी। तो भाई अब बात करते हैं हम गाड़ी में सेफ्टी की। टाटा ने जो है सेफ्टी का काफ़ी अच्छे से जो है भाई ध्यान रखा है। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो चारों डिस्क जो है वो आपको मिल जाएंगे, 6 एयरबैग आपको बेस वेरियंट से ही मिल जाते हैं, ABS CVD आपको एज ए स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, उसके बाद में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, रोल ओवर मिटिगेशन का सिस्टम आपको मिल जाता है। तो सेफ्टी के लिहाज से जो है भाई आपको तो पता ही है भाई टाटा की गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा सेफ है, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लोबल एनकेप के अंदर जिस गाड़ी ने स्कोर किया है वो है टाटा और सफारी। तो सेफ्टी के लिहाज से आपको डरने की जो है कोई ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए एक दो फीचर्स अगर जो है टाटा इसमें ऐड कर देती, जैसे सेंट्रल लॉकिंग, सीट की हाइट एडजस्टमेंट का फीचर, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वो हो जाता। तो भाई आप लोग हमें बताइए कि आपको टाटा सफारी का ये वाला वेरिएंट कैसा लगा, इसमें आपको क्या कमी लगी, क्या फीचर्स जो है इसमें आपको और एक्स्ट्रा चाहिए थे, या फिर जो है टाटा ने जो ये कॉस्ट कटिंग कर रखी है ये करनी चाहिए थी या फिर नहीं करनी चाहिए थी, ये जो है आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल जो है वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आगे एक और ऐसी वीडियो के साथ।